हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। तो आज हम लोग जो स्टोरी पर सॉरी स्टोरी नहीं, ये है कविता पोएम। तो ये है स्टैंडर्ड 1 के लिए है और चैप्टर 11 है, पोएम है। पोएम का नाम है मशीन्स। तो सुबह से लेकर रात तक हम लोग मशीन से घिरे हुए रहते हैं और उसमें से ही ये कविता को उठाया गया है मुझे लगता है। और एकदम छोटा सा कविता है, इसमें मशीन के बारे में बताया गया है और मैं कविता को पहले पढ़ूंगी, उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा करके मीनिंग में समझा दूंगी, ठीक है। तो चलो देना करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ से कविता स्टार्ट होता है। द वॉशिंग मशीन गोज स्विस एंड स्विस। तो ये है जो मशीन का रोलिंग होता है ना, उसी का जो साउंड होता है वही लिखा हुआ है, ठीक है। स्विस एंड स्वस एंड स्विस, तो ऐसे करके होता है। एंड द फ्रिज एंड द फ्रीजर गो मम। ओके, क्योंकि फ्रीजर का करके एक आवाज थोड़ा सा हल्का सा निकलता है जब हम फ्रिज को चलाते हैं। तुम लोग शायद देखे हो या फिर सुने होंगे, तो वही कवि ने लिखा हुआ है। एंड उसके बाद देखो, इधर है द मोबाइल रिंग्स, क्योंकि मोबाइल का तरह तरह के रिंगटोन होता है जो बजता है वो, और वो भी एक मशीन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, एंड द रेडियो सिंग्स, मतलब रेडियो से हम गाना सुनते हैं तो वो गाना चलाने के वक्त जो आवाज होता है वही रहता है। एंड द वैक्यूम क्लीनर गोज ब्रूम। ओके, एंड उसके बाद द थंबल ड्रायर गोज, जो ड्रायर होता है मतलब कुछ भी सुखाने का जो ड्रायर होता है वो होता है विम्प्टी फ्लम, ऐसा उसका कुछ आवाज होता है। एंड द टोस्टर जस्ट गोज पॉप, मतलब टोस्टर का आवाज पॉपिंग का ही होता है। यहाँ पे हम लोग टोस्टर देख पा रहे हैं, जैसे भी उसमें टोस्ट हो जाता है रोटी एंड वो पॉप करके निकल आता है बाहर, ठीक है। पॉप मीन्स छलांग लगाना। एंड द डीवीडी हम्स एंड द टीवी रन एंड दे ऑल गो ऑन टिल दे स्टॉप, मतलब जब तक एक मशीन खराब नहीं हो जाता है तब तक वो अपना सर्विस देता रहता है और चलता रहता है। और ये जो कविता लिखे है इनका नाम हैंडरसन भी बोल सकती है। ये सारे विदेशी कवि होते हैं तो इनका नाम थोड़ा सा अलग होता है हमारे से, ठीक है। तो हो गया ये हमारा कविता कंप्लीट। बहुत छोटा सा कविता है, इसका मीनिंग बस यही है कि हम पूरे दिन से लेके सुबह से लेके रात तक मशीन से घिरे हुए रहते हैं। एट द मॉर्निंग टू एट द बेड, जब हम सोते जाते हैं तब भी हमारे हाथ में मोबाइल रहता है या फिर हम रेडियो सुनते हैं या फिर टीवी देखते हैं। तो पूरे दिन मशीन से घिरे होने से क्या होता है, हर वक्त हमारे घर पे कुछ ना कुछ मशीन का यूटिलाइजेशन होता रहता है। और ये जो मशीन है ये जब तक ना खराब हो जाए या फिर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे तब तक ये अपना जो है काम करते चले जाते हैं। तो इसी को लेके ये कविता है, अच्छा कविता है, मुझे पढ़ते हुए अच्छा लगा। तुम लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली शेयर करना, और अगर अच्छा लगा है एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ और एक नई उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।